यकीन नहीं हो रहा है कि भीमराव का भाई हमारे साथ चोरी कर रहा है। और ऐसी चोरी में साथ देते रहना तो एक दिन बहुत पैसे वाले बन जाओगे। इतने पैसों से तो कई दिन का राशन आ जाएगा। मंगेश बाबू, काम हुआ? काम हुआ? हो गया। पकड़, तू ही पकड़। खुश ना? अब तुम भी खुश और हम भी खुश। तो निकलो, कुछ और काम हो तो बताइएगा। हाँ हाँ, पक्का निकलो। एक काम करता हूं, कि महाराज जी को दे आता हूं। नहीं, सेठ जी अभी सीधा महाराज जी के पास जाएंगे। एक काम करता हूं, इसे दो चार दिन अपने घर पे रख देता हूं, फिर महाराज को दूंगा। बाला भैया आप कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने गया था मैं। तू सोया नहीं? नहीं बाला भैया। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? बड़ा हूँ तुझसे, खुद का ख्याल रख सकता हूँ मैं। अब आप आ गए हैं तो तसल्ली हो गई। अब सोने चलते हैं। चलिए। यकीन नहीं हो रहा है, भीमराव का भाई हमारे साथ चोरी कर रहा है। सोचो कहाँ भीमराव है जो सच और न्याय की बात करता है, और कहाँ उसका बड़ा भाई है जो चोरी कर रहा है। कल को दुनिया जानेगी तो क्या कहेगी। इसी तरह जैसे एक सफेद चादर में काला दाग लग जाए ना तो उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। वही है भीमराव, सफेद चादर और बाला काला धब्बा। बाला काला धब्बा, काला धब्बा, बाला काला धब्बा। बाला तू काला धब्बा है, काला धब्बा है तू काला। मैं नहीं हूँ काला धब्बा। बाला, बाला क्या हुआ? बाला क्या हुआ? बाला भैया बताइए ना। बाला भैया क्या हुआ? आपको कोई बुरा सपना आया क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? बाला भैया बताइए। क्या हुआ बाला भैया बताइए ना। मुझसे गलती हो गई भीम, मैं चोर बन गया। मैं काला धब्बा बन गया भीम। भाला भैया ये अब क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम दोनों को देखा। इतने पैसे में अगर काम करना है तो कल आ जाना इसी समय, ठीक है? हम आ जाएंगे कल इसी समय, और दुआने भी ठीक है। तुम दोनों ने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद थोड़े ही पैसे कमा पाए। तो मैंने एक फैसला लिया, एक गलत फैसला। फैसला लिया चोरी करने का। हमारे साथ काम करोगे? पैसे मिलेंगे। काम क्या करना है? चोरी करनी है।
ये लो। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। भीम, भीम मुझे माफ कर दे। गलती का एहसास होना अपने आप में ही माफी होता है। अब आप मेरे साथ चलिए, आपने जो किया है उसको सुधारने। बाला भैया, अपने छोटे भाई पर विश्वास रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए। देखना तो ये है कि भीम किस मिट्टी का बना है, वो जो बार बार बोल के बताता है या वो जिस पर आप गर्व करते हैं। शर्त लगा लेते हैं। कैसी शर्त? जब तक मैं ना कहूँ आप भीम से मिलने नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब? आई मर गई है और बाबा घर छोड़ के भाग गए। अब मेरा कोई नहीं, दे दीजिए ना, दे दीजिए ना कुछ खाने को। दीजिए ना कुछ खाने को, मैं सच कह रहा हूँ, दे दीजिए ना। कल से कुछ नहीं खाया, दीजिए ना, बहुत भूख लगी। दीजिए ना, मैं सच कह रहा हूँ, दीजिए ना कुछ खाने को, दे दीजिए ना। भीम बेटा, तुम हार मत मानना। चाहे तुम्हारी आई मर गई हो, चाहे तुम मान लो कि तुम्हारे पापा भाग गए हैं, लेकिन हार मत मानना। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूं। पहली बार ठेकी की चोरी की है, अच्छा अनुभव था। चोरी करो, मेहनताना लो और निकल लो, बाकी चोरी करवाने वाला जाने। हम भी यही ना करें, जितने भी बड़े लोग हैं उनके घर में चोरी करने के ठेके ले। सही है, बस एक बात समझ में आई, सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शरीफ लोग भी चोर हैं, वो भी चोरी करवाते हैं। आजा आज उन्हीं शरीफ चोरों के नाम। नहीं, चोरी के सारे पैसे लौटा दीजिए, चोरी बुरी बात है। अरे हिस्सा दिया ना इसको उसका। हम हिस्सा लेने नहीं आए, बस आपने जो भी कुछ चोरी किया है उसे वापस करो। हाँ बकवास कर रहे हो तुम, दिमाग सही नहीं क्या तुम्हारा? सब क्या तुम्हें ही दे दें? नहीं, हम पैसे लेने नहीं आए हैं, बल्कि जो पैसे आपने सीट जी के यहाँ से चुराए हैं उसे उन्हें वापस लौटाने आए हैं। अरे जा, बड़ा आया ईमानदार, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये हमारा काम है। गलत काम किसी का भी काम नहीं होता है, और जो भी आपने सेठ जी के घर से चुराया है वो सारे पैसे मुझे दीजिए, मुझे उन्हें लौटाना होगा। दीजिए पैसे। चल निकल। अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोटा पैसा कहाँ है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? बता पैसे कहाँ है? अरे हमारे पास पैसे नहीं है, वो सारे पैसे वो चाय वाला ले गया। चाय वाला ले गया? वो बता दिया ना, अब हमें जाने दो। चलो नहीं, पहले आप भी हमारे साथ चलिए और पैसे बरामद कराइए, उससे पहले आप कहीं नहीं जाएंगे। चलिए। चल।
मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया महाराज, बर्बाद हो गया मैं महाराज, 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 महाराज दरवाजा खोलिए महाराज, महाराज मैं बर्बाद हो गया महाराज, दरवाजा खोलिए महाराज। क्या हुआ, इतनी रात गए, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी है? महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, पैसा जवाहरात सब कुछ चोर लूट के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। नियति को कौन टाल सकता है, ये तो होना ही था, लेकिन तुम इसे इतना विचलित क्यों हो रहे हो? मैं विचलित क्यों हो रहा? महाराज जीवन भर की कमाई मेरी लूट के ले गए और आप कह रहे हैं कि विचलित क्यों हो रहा? काल का न्याय है, ये कुदरत की मार है। तुमने धर्म के नाम पर तुम्हारी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खर्च करने से इनकार कर दिया तो ईश्वर ने तुम्हें उसी की सजा दे दी। ईश्वर नहीं महाराज, आप, मैं जानता हूं कि आपके लोगों ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। अभी तुम हमें चोर कहो, डकैत कहो, पापी कहो, गद्दार कहो, हम उसका कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे। हानि से पीड़ा होती है और पीड़ा से मनुष्य उचित अनुचित सब भूल कर दोषारोपण करने लगता है। महाराज मेरे पैसे लौटा दीजिए, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं महाराज। लोभ और मोह के वशीभूत इंसान, बीच निद्रा से तुमने हमें उठाया है, अब हमें योग की निद्रा में सोना होगा। जाओ, जाओ तुम यहां से। महाराज मैं कंगाल हो जाऊंगा महाराज, कहीं नहीं रहूंगा महाराज। धीरज रखो सेठ धन सुखलाल, और तनिक सोचो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाने वाले हैं। अपने मन में शांति पैदा करो और आराम से सोचो, अब तक की गई हर गलती के बारे में सोच विचार करो। महाराज, 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 मैं बर्बाद हो गया, लुट गया महाराज, मेरे पैसे दे दो महाराज। कौन आ गया? अरे आया, कौन है? इन दोनों ने कहा है कि जो पैसे इन्होंने सेठ जी की यहां से चोरी किए थे वो आपके पास है। किसने कहा? इन दोनों ने? कप्तान साहब ये दोनों चोर हैं, किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। तो क्या पूरी दुनिया को चोर समझेंगे? वो तो जब तलाश लेंगे तभी पता चलेगा ना, क्या पता पैसे मिल जाए। भीमराव अपनी हैसियत में रह और ये मत भूल तेरा जात क्या है। अगर आपने चोरी की है तो आपकी जात तो चोर की ही हो गई ना, और ये जात सच में घृणा करने लायक ही है। भले ही मैं तलाशी नहीं ले सकता, लेकिन पुलिस कप्तान साहब तो तलाशी ले ही सकते हैं।
चलो अंदर तलाशी ले। अरे कप्तान साहब कुछ भी नहीं है। अरे किस बात की तलाशी, मैंने कुछ किया ही नहीं है। उधर देखो। अरे कप्तान साहब, अरे क्या कर रहे, किस बात की तलाशी? अरे कुछ नहीं है उसमें। खोज लो, ऐसी जगह रखा हो मिलेगा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं मिला, सब जगह तलाशी ले ली मैंने, कुछ नहीं मिला ना। अब जाओ निकलो यहाँ से। सुबह सुबह आ गए मुझ पर कीचड़ उछालने। कप्तान साहब एक बार मैं तलाशी ले लूं। नहीं रुक, एकदम रुक। कप्तान साहब ये तलाशी नहीं लेगा। माना कि आप कानून का काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे जिंदगी के मान्यताओं में अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। लेकिन इन दोनों ने तो बताया ना कि पैसे आपके पास है। अरे इन लोगों के कहने से क्या होता है? कोई सबूत नहीं हमारे पास और ना ही पैसे बरामद हुए। कप्तान साहब उस कूड़े वाली टोकरी में देखिए, शायद उसमें हो। अरे कप्तान साहब उसमें कुछ भी नहीं है, कूड़ा है उसमें। अरे उसमें कुछ भी नहीं है कप्तान साहब, कूड़ा है। अरे क्या मैं कह रहा हूँ, कूड़ा है। कप्तान साहब किसकी बातों में आ रहे हैं आप, कूड़ा है इसमें, देखिए कुछ नहीं। क्या ही? क्या ये? कप्तान साहब मुझे नहीं मालूम। बिना मेहनत का कमाया गया पैसा दूसरों का हमेशा कचरे जैसा ही लगता है। ले चलो सर। अरे कप्तान साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्या पता किसका है, ये चोरों ने कुछ किया होगा। अरे मुझे फालतू का पकड़ रहे आप लोग। मैं बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पता नहीं किसने मेरे पैसे चुरा लिए। मेरे पैसे मिल गए, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था, मैं फिर से जी गया। शुक्रिया कप्तान साहब। शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि भीमराव और इसके भाइयों का कीजिए जिन्होंने आपके पैसे बचाए। ले, बख्शीश समझ के रख ले। ये काम मैंने बख्शीश के लिए नहीं किया है, आपके पैसे हैं, आप रखिए। और अगर आप सच में खुश हैं, तो ये बताइए कि चाय वाले काका ने इन दोनों चोरों का साथ क्यों दिया? कप्तान साहब ये क्या बताएंगे, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने सेठ जी से मांगे थे, सेठ जी ने नहीं दिया तो मुझे सब करना पड़ा। सेठ जी क्या ये चाय वाले काका सच कह रहे हैं? सेठ हमारा नाम नहीं लेगा क्योंकि ये सब धर्म से डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोग क्या सही के साथ खड़े होंगे? हाँ कप्तान साहब, इसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इसे नहीं दिए। आप लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? सेठ जी आप अभी हमें बख्शीश दे रहे थे और अभी झूठ के साथ खड़े हो गए। सेठ जी हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलो ले चलो। नहीं कप्तान साहब रुकिए। बाला भैया को भी साथ ले जाइए। चोरी में हिस्सेदार तो ये भी थे।